वेलकम टू बिना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू क्लास फोर्थ सब्जेक्ट टीवीएस है। आज हम स्टडी कर रहे हैं आपके लेसन फोर का लास्ट पार्ट। लेसन फोर क्या था हमारा? ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, आज उसका लास्ट पार्ट स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, आपको क्या गिवन है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका? जो आपके माइंड से रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं सबको कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है? जितना भी आपकी बॉडी का वर्क होता है उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे हम कैसे वॉक करना है, कैसे किसी चीज़ को आप देख रहे हो, कैसे राइट कर रहे हो, कैसे लिसन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में होती हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर है ना तीन चीज़ें होती है हमारी। पहला तो होता है आपका ब्रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग। आप सबको पता है ब्रेन का मतलब क्या होता है? दिमाग। सेकेंड आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी मेरुरज्जू। ये अभी आपको बताऊंगी कैसी दिखाई देती है, ठीक है। अभी आपको बस इसका नाम याद करना है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर होती है आपकी नर्व्स। नर्व्स होती है तंत्रिकाएं, ठीक है। ये भी आपको सिर्फ नाम याद करना है। तो हमें तीन नेम याद करने हैं जो नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। पहला ब्रेन, सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज नर्व्स, ठीक है। ब्रेन जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रेन ऐसा होता है। ब्रेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसलिए ब्रेन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है या मेन ऑर्गन है, ठीक है। ये अलाउ करता है, ब्रेन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? थिंक, सोच सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, ड्रीम। जो आप सपने लेते हो वो कहाँ से आते हैं? आपके ब्रेन में कुछ चल रहा होता है, इसी वजह से आपको वो ड्रीम दिखाई देता है। एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशन, कि किसी सिचुएशन में कैसा एक्ट करना है। जैसे मान लो आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया, तो एकदम से आप हाथ पीछे करते हो ना, तो वो किसने रिस्पॉन्ड दिया? ब्रेन ने, कि ये चीज गर्म है और आपको अपना हाथ पीछे हटाना है, नहीं तो आपको क्या होगा? पेन होगा, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है वो हमें थिंक करने में हेल्प करता है, फील करने में, ड्रीम में, और बहुत सारी सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्स करना है ये भी बताता है, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से लिंक होता है। वो लिंक कैसे होता है? ब्रेन तो ऊपर होता है ना, तो वो फीट तक, हैंड्स तक कैसे लिंक होगा? स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से, ठीक है। किस किस की हेल्प से? स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स की हेल्प से। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपके एक लॉन्ग बंडल होगा, ठीक है। बड़ा सा लंबा सा बंडल होता है, किसका? नर्व्स का। उसके अंदर बहुत सारी नर्व्स आ जाती है। जहां हमारा ब्रेन खत्म होगा वहां से ये स्टार्ट होता है। अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगी मैं, ठीक है। देखो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करना, कैसे वॉक करना है, कैसे सी करना है, कैसे लिसन करना है, ये सब करना। इसके अंदर हमने तीन मेन ऑर्गन्स पढ़े। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज आपका नर्व्स, ठीक है। ब्रेन जो है वो सबसे मेन ऑर्गन होता है हमारा। इसका काम क्या होता है? ये आपको बताता है कि आप कैसे सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपको कैसे रिएक्ट करना है किसी सिचुएशन में, कैसे ड्रीम, ठीक है। ये सारे फंक्शंस किसके अंदर आते हैं? आपके ब्रेन के अंदर आते हैं। ब्रेन जो है वो किससे? हमारी पूरी बॉडी से। किसकी हेल्प से लिंक होगा? स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से। क्लियर हो गया? हमारे पास तीन मेन फंक्शन ऑर्गन्स हैं नर्वस सिस्टम के, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्रेन, ओके। अब देखिए ये आपको पिक्चर दी हुई है, ये क्या हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो इसके ये जो लॉन्ग सी ये जा रही है, ये क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी है, और पूरी बॉडी में ये आगे फैल जाती हैं ब्रेन्स की। इनको हम बोलते हैं नर्व्स, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको? नर्व्स। ब्रेन से कौन कनेक्ट, ब्रेन को पूरी बॉडी से कौन कनेक्ट करता है? नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, जिसकी हेल्प से ब्रेन क्या करता है? अब लग गया, आपको कैसे पता है कि आपको जंप करना है? कौन ऑर्डर देता है? दिमाग, ब्रेन। और ब्रेन और जब ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर नर्व्स की हेल्प तक कहां तक जाएगा? आपकी लेग्स तक, ओके। आप कहते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो आपको हेल्प करता है प्रोड्यूस करने के लिए यंग वंस को, मतलब अपने नए बेबी को प्रोड्यूस करना या अपने जैसा सिमिलर कोई यंग वंस बनाना, सेम उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे आपके बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? एग्स देते हैं, है ना, एग्स देते हैं। और जो ह्यूमन बींग होते हैं वो बेबी को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। तो वो किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से। जो हमारी लाइफ है अर्थ पर, देखो आप देखते हो ना कि हमारे पापा, फिर उनके भी पापा थे, तो वो कंटिन्यू चल रही है। किस वजह से चल रही है? इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से। अब दोनों में अलग अलग होता है, मैन में अलग होगा, वुमन में अलग होता है। जो मैन में होता है उसको
बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या बोला जाएगा? मेल, और जो वुमेन में होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका ये जो मैन को हमने क्या बोला, मैन में जो सिस्टम होगा उसको बोला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो वुमेन में हुआ उसको हमने बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों में इसका वर्क अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, तो वो अभी आपके काम का नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, दोनों की फंक्शन अलग अलग होते हैं। मेल जो मैन में होगा उसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो वुमेन्स में होता है उसको हम बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इनका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना है यंग वंस को, ठीक है। बाकी डिटेल इसकी आपको नेक्स्ट जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपके आप टीचर्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ओके। देखो बेटा अब क्या दिया हुआ है, नो मोर में, नो मोर कहता है कि द लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ अवर बॉडी, जो आपका लेफ्ट ब्रेन है ना वो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? राइट बॉडी को, और जो राइट ब्रेन है वो किसको कंट्रोल करेगा? लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को। क्लियर हुआ? अगर ब्रेन लेफ्ट है तो वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा, और ब्रेन राइट है तो वो किसको कंट्रोल करेगा? लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आज हमने दो सिस्टम पढ़े, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके अंदर तीन मेन थे ऑर्गन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, सबसे इंपॉर्टेंट था ब्रेन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या था? प्रोड्यूस करना, किसको? यंग वंस को, और उसके अंदर हमने दो थे, एक मैन और एक वुमेन, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग था और फंक्शन भी। तो मैन वाले को हमने बोल दिया मेल वाला, और वुमेन वाले को क्या बोल दिया? फीमेल, ठीक है। आज ही आपका लेसन कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है, जो मैंने आपको तीन वीडियो करवाई है, पहली फर्स्ट पार्ट की, फिर सेकेंड की, और ये लास्ट वाली, तीनों सुननी है, कल संडे है ना, तो ये तीनों अच्छे से सुननी है आपने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसकी बुक मैटर करवाऊंगी ताकि वो आप और बेटर वे में कर सको। ओके, थैंक यू।